देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक, मुफ्त बिजली और बस किराया माफी जैसे केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी वाले मुझे गालियां देते हैं, कहते हैं केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है, बिजली फ्री नहीं होनी चाहिए। हाँ, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। मुझे एक बीजेपी वाला कह रहा था कि एक बार दिल्ली में हमारी सरकार बन जाए, हम ये फ्री बिजली बंद कर देंगे, गलती से भी वोट मत दे देना, 10,000 रुपए बिजली का बिल आना शुरू हो जाएगा। और आरोप लगाया है कि उन पर हमले कराए गए। उन्होंने जनता से बीजेपी को वोट ना देने की अपील की है, जो मुफ्त बिजली बंद करने की बात करती है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को वजीरपुर विधानसभा में पदयात्रा में जब वो पहुंचे और जनता को संबोधित करते हुए कहा कि शुक्रवार को मेरे ऊपर हमला करवाया गया, ये लोग मुझे मरवाना चाहते हैं, हिम्मत है तो सामने आकर चुनाव लड़ो। मैंने दिल्ली में 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, इनकी 22 राज्यों में सरकार है, इन्हें 5,000 मोहल्ला क्लिनिक बना देने चाहिए। मैं जेल गया तो बीजेपी ने दिल्ली बर्बाद कर दी, चिंता मत करना, अब मैं आ गया हूँ, सभी काम करवा दूंगा। केजरीवाल ने कहा कि मैंने आपके स्कूल अस्पताल बनवाए, पानी बिजली महिलाओं के लिए बस का किराया माफ किया, इसलिए मुझे जेल भेजा। अगर केजरीवाल बेईमान है तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। मैं सत्ता का लालची नहीं हूँ, मुझे चिंता है कि 10 साल में जो काम हुए रुकने नहीं चाहिए। योगी आदित्यनाथ ट्वीट कर रहे हैं कि सुनिश्चित किया जाए कि त्योहारों में यूपी में बिजली ना कटे, दिल्ली में तो 365 दिन 24 घंटे मुफ्त बिजली आती है। बीजेपी वाले कहते हैं कि एक बार सत्ता मिल जाए तो इस दौरान उन्होंने जनता से संवाद करते हुए कहा कि आज से 10 साल पहले आप लोगों ने मुझे दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी थी, मैं तो कुछ भी नहीं था, आपने दिल्ली की जिम्मेदारी दे दी, पिछले 10 साल से पूरी ईमानदारी से आपके लिए काम कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे काम किए हैं जो पिछले 75 सालों में किसी पार्टी किसी नेता ने पूरे देश में नहीं किए। मैं 2015 में मुख्यमंत्री बना, उससे पहले तक दिल्ली में 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे, अब नहीं जाती, 24 घंटे बिजली आती है, वो भी मुफ्त। आपको बता दें बिजली मुफ्त बिजली जो है उसे बंद कर देंगे। विधानसभा चुनाव में दिल्ली के कामों का बटन दबाना और जिनसे काम किए उसके लिए बटन दबाना, जिसने आप लोगों के लिए काम किया है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी वाले मुझे गालियां देते हैं, कहते हैं केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है, बिजली फ्री नहीं होनी चाहिए। हाँ, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। मुझे एक बीजेपी वाला कह रहा था कि एक बार दिल्ली में हमारी सरकार बन जाए, हम ये फ्री बिजली बंद कर देंगे, गलती से भी वोट मत दे देना, 10,000 रुपए भी लाना शुरू हो जाए। आज आपके बीच में इतनी बड़ी संख्या में आज आप लोग आए हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया। इतनी भारी संख्या में आप लोग आए, आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। राजेश गुप्ता मेरा छोटा भाई है और ये जब भी बुलाता है मैं इसकी विधानसभा में आता हूँ। दोस्तों, 10 साल पहले आप लोगों ने दिल्ली की जिम्मेदारी मेरे को सौंपी थी, 10 साल में मैंने पूरी ईमानदारी के साथ 10 साल में मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया। जितने काम दिल्ली में हुए हैं पूरे देश में पता कर लो, किसी भी सरकार ने इतने काम नहीं करे। हमारी सरकार 2015 में बनी थी, 10 साल पहले बनी थी, उसके पहले का टाइम याद करो, रोज 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे, बिजली जाया करती थी, सारी सारी रात बिजली नहीं रहती थी, जनरेटर खरीदने पड़ते थे, इन्वर्टर खरीदने पड़ते थे, इन्वर्टर की बैटरी खरीदनी पड़ती थी। अभी इन्वर्टर तो नहीं है किसी के घर में, जनरेटर तो नहीं है किसी के घर में, 24 घंटे बिजली आती है कि नहीं आती है? पूरे देश में केवल दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और कहीं नहीं आती है। उत्तर प्रदेश से कौन कौन किसकी रिश्तेदारी है उत्तर प्रदेश में, बिहार में किस किस की रिश्तेदारी है, फोन करके पूछ लेना, फोन करके पूछ लेना बिहार में कितने घंटे बिजली जाती है, फोन करके पूछ लेना यूपी में कितने घंटे बिजली जाती है, फोन करके पूछ लेना हरियाणा में कितने घंटे बिजली जाती है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, 22 राज्यों में इनकी बीजेपी वालों की सरकार है, एक राज्य बता दो जहाँ पे 24 घंटे बिजली हो। अगर आपने आप लोगों ने गलती कर दी और इनको वोट दे दिया तो देख लो फिर दोबारा 10-10 घंटे पावर कट लगेंगे, फिर खराब हो जाएगी सारी। बड़ी मुश्किल से ठीक कर रही है दिल्ली,
और 24 घंटे केवल बिजली नहीं आती, फ्री बिजली आती है। जिस जिसका एक बार भी फ्री बिजली का बिल आया हो जरा हाथ खड़े कर दो, एक बार भी आया हो, आया ना फ्री बिजली का बिल, जीरो जीरो बिजली का बिल। पूरे देश में कहीं जीरो बिजली का बिल नहीं आता। सबसे महंगी बिजली यूपी में, गुजरात में, बिहार में बहुत महंगी बिजली है। मेरे को याद है जब हमारी सरकार बनी 2015 में, उसके पहले 10-10 हजार रुपए के बिजली के बिल आते थे लोगों के, 5-5 हजार रुपए बिजली के बिल। अब तो आप भूल भी गए होंगे, अब तो आदत पड़ गई जीरो बिजली का बिल, किसी का 400 आ जाता है, 500, अब तो आदत पड़ गई दिल्ली वालों को सस्ती बिजली की, जीरो बिजली की आदत पड़ गई। अब कहां याद है, अगर आपने बीजेपी को वोट दे दिया तो फिर देख लेना क्या हाल होगा। फिर या तो बच्चे पालोगे और या बिजली के बिल भरोगे, गलत तो नहीं कह रहा जी। पानी मैंने फ्री करा लेकिन पानी के बिल बहुत आए हुए हैं आप लोगों के। जिस चीज के पानी के ज्यादा बिल आए हुए हाथ खड़े कर दो। खूब बिल आ रखे है ना, मैं जेल गया, इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया। मेरे पास ही पीछे से इन्होंने इतने बिल बना बना के भेज दिए तंग करने के लिए। पर मैं अब आ गया, चिंता ना करना, दोबारा मुख्यमंत्री बना दो, सबके पानी के बिल माफ कर दूंगा, सारे पुराने के बिल। बिल भरने की जरूरत नहीं है, जितने ज्यादा बिल आ रहे हैं, जिस जिसके ज्यादा बिल आ रहे हैं, आपको लगता है बिल गलत है, आपको भरने की जरूरत नहीं है। फरवरी में दो चुनाव होंगे, मार्च में सबके पानी के बिल फ्री कर दूंगा, सारे पानी के बिल माफ कर दूंगा। सही है, यहाँ पे इतनी सारी महिलाएं हैं, बसों में कौन कौन जाता है, टिकट तो नहीं लगती। ये बीजेपी वाले कहते हैं केजरीवाल फ्री, देखिए आप देख ही रहे हैं कि जनता के अंदर कितना जुनून है, कितना प्यार है अरविंद केजरीवाल को लेके। तो अभी वो आ रहे हैं और आप देखिएगा किस तरीके से लोगों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है, लोग उनसे मिलना चाहते हैं, प्यार करते हैं। दिल्ली के लोग एक तरफा अरविंद केजरीवाल को प्यार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बीजेपी तो आरोप लगाएगी, जो विपक्ष में उसका काम है आरोप लगाना, उन्हें लगाने लीजिए। लेकिन क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम करे हैं वो जनता को सीधे उनके फायदे मिले हुए हैं। आप इस रोड पे खड़े, इस रोड को देखिए, गलियों को देखिए, जिस तरीके से लाइटों पे, सीवर पे, तो चालों पे काम हुआ है वो देखने लायक है। और ये तब हुआ है जब इतनी बार हमको रोका गया, बिजली का, पानी का जो फायदा है, जो बहनों को जो बस की फ्री यात्रा मिलती है, बहुत सारे फायदे मिले जो डायरेक्ट पब्लिक को फायदा है। तो आज जितना मर्जी भाजपा झूठ बोले जाए, लोग सब समझते हैं। परसों जो घटना हुई उसमें जो भाजपा कह रही है उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, और जो भी है पब्लिक वो सिर्फ काले झंडे दिखा रही है। नहीं, वो पब्लिक नहीं है, वो तुमने दिखाई। पब्लिक कभी किसी को कुछ नहीं दिखाती, एक बात को आप समझ लीजिए। पब्लिक वोट देने के टाइम जो मर्जी करे, और पब्लिक किसी को काले झंडे दिखाए, लड़ने के लिए जाए, ऐसा कभी नहीं होता। मैं 10 साल से विधायक हूँ, पार्टी का वो उपाध्यक्ष हूँ, इस तरीके की चीजें मुझे करता है भाजपा को शोभा नहीं देती। आप और ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक बना के दिखाओ, आप फ्री बिजली करके दिखाओ, आपके पास में बहुत सारे स्टेट्स में सरकार है, यूपी में है, हरियाणा के अंदर, आप करके दिखाओ, हमने करके दिखाई है। आप स्कूल आपके सामने, आप कैमरे को ऐसे घुमाओ, दिखाओ दिल्ली सरकार का स्कूल है, देखो कितना शानदार स्कूल बना हुआ है, ऐसे स्कूल बना के दिखाओ, तो कैसे करके दिखाओ, काले झंडे क्या दिखाओगे, हमारे एक एक बच्चे के हाथ में तिरंगा है।